हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जोमैटो के स्टॉक के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जोमैटो शेयर ने आज कर दी है बढ़िया तेजी, क्योंकि दोस्तों शेयर में हो चुका है धमाका। खराब रिजल्ट्स के बावजूद भी दोस्तों मार्केट ने आप कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स को आउट परफॉर्म किया है और आप आज देखिए शेयर में खतरनाक तेजी है। और जो लो था दोस्तों उस लो को आप देख सकते हैं, स्टॉक क्रॉस नहीं करा और वहां से लगभग दोस्तों शेयर 10-15% ऊपर कामकाज कर रहा है। 64 रुपये के पास शेयर निकलता हुआ देखने को मिला है और इंट्राडे के अंदर 12-13% की तेजी शेयर में होती हुई देखने को मिल रही है। एक्टिव बाय वॉल्यूम में नंबर 1 पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। अब क्या करना चाहिए शेयर में, क्योंकि दोस्तों अपने 52 हफ्तों के हाई से ये लगभग 62% नीचे कामकाज कर रहा है, तो क्या इस स्टॉक में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं या फिर इसको रहने देना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। और क्या होंगे कल के टारगेट, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर अपन बात कर ले आज के मार्केट्स की, तो मार्केट्स आज दोस्तों थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। शुरुआती कामकाज में भले ही मार्केट्स में तेजी आती हुई देखने को मिली, लेकिन अभी मार्केट्स थोड़े फ्लैटिश नोट पर कामकाज कर रहे हैं। गिरावट होती भी देखने को मिल रही है मार्केट्स में, लगभग 50-60 पॉइंट्स नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है। वहीं अगर बात करें एक्टिव बाय वॉल्यूम की, तो दोस्तों ऑल एनएससी में नंबर 1 पर ये ट्रेड कर रहा है शेयर, नाम है इसका जोमैटो। 64.35 रुपए अभी शेयर कामकाज कर रहा है और डेफिनेटली दोस्तों 54 रुपए के लो से शेयर 64 रुपए के लो पर आ गया है, 64 रुपए के हाई पर आ गया है। तो डेफिनेटली एक रिवर्सल के संकेत अब शेयर में नजर आ रहे हैं और ये रिवर्सल 80 रुपए से 90 रुपए तक भी जा सकता है। एंड अब अगर बात कर ले दोस्तों स्टॉक के इंट्राडे के चार्ट की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों आज इंट्राडे में 5790 पर शेयर ओपन होता है, ऑलमोस्ट 0.90 रुपीज शेयर ऊपर ओपन होता है। एंड देन फॉर दोस्तों वही लो लग जाता है एंड देन फिर हाई लगाता जाता है शेयर। आप देख सकते हैं इंट्राडे में काफी शानदार तेजी है शेयर करता हुआ देखने को मिला है, 67.60 रुपीज पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली काफी अच्छी क्लोजिंग अभी आपको जोमैटो के स्टॉक में आज देखने को मिल सकती है। प्लस दोस्तों 67.60 का शेयर ने हाई लगाया है और अभी 64 के लेवल्स पर शेयर कामकाज कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप बाइंग करना चाहते हैं 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इस शेयर में बाइंग कर सकते हैं और 67 रुपीज से 68 रुपीज तक का टारगेट आपको नियर टर्म में शेयर में देखने को मिल सकता है। एंड अब अगर बात कर ले इसके 52 हफ्तों के हाई की, तो लगभग 62% आप कह सकते हैं कि 62% नीचे कामकाज कर रहा है अपने 52 हफ्तों के हाई से। और जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, CLSA सबने जितने भी टारगेट्स दिए सबके मिनिमम टू मिनिमम 100 से 80 रुपए तक के टारगेट्स दिए गए हैं। तो डेफिनेटली अब कोई शेयर प्राइस के नीचे टारगेट नहीं दे रहा है और सब ऊपर ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। बिजनेस चैनल पर भी आज काफी अच्छा रिकमेंडेशन दिया गया था जोमैटो के शेयर का, और डेफिनेटली एक बढ़िया तेजी के संकेत अब जोमैटो में नजर आ रहे हैं। और यहां से शेयर अगर 70 रुपीज भी होता है तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि एक रिकवरी है शेयर में और ये रिकवरी कब खत्म हो सकती है, वो दोस्तों 80 रुपीज से 90 रुपीज अगर उस रेंज में शेयर आ जाए तो डेफिनेटली रिकवरी जो है वो शेयर में थोड़ी कम हो सकती है। एंड अब अगर बात कर ले दोस्तों स्टॉक के रेजिस्टेंस की, तो इंट्राडे बेसिस पर शेयर ने सारे रेजिस्टेंस क्लियर कर दिए। अब अगर इंट्राडे बेसिस पर इनके ऊपर क्लोजिंग आ गई शेयर में, तो डेफिनेटली एक बढ़िया तेजी के चांसेस स्टॉक के अंदर बन सकते हैं। एंड अब अगर बात कर ले दोस्तों रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स दोस्तों थोड़े खराब आते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू भले दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट जो लॉस है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आप देख सकते हैं नेट सेल्स जो थी कंपनी की वो 1041 करोड़ थी देखने को मिले, जो कि 71% तक बढ़ी है। एंड अगर अपन बात कर ले दोस्तों लॉस की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जोमैटो शेयर प्राइस राइजेस 18% डिस्पाइट लॉसेस वाइडेंस इन Q4। जी हाँ, लॉस दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बहुत ज्यादा लॉस बढ़ता हुआ दिखा है, इसके बावजूद भी दोस्तों शेयर में आपको इतनी अच्छी चीज देखने को मिली है। तो डेफिनेटली डेबल तेजी आज के दिन होती हुई देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं प्राइस परफॉर्मेंस काफी खराब है शेयर का, एक साल में लगभग 53% से ज्यादा की गिरावट है शेयर करके दिखा चुका है। लेकिन ये जो हफ्ता है वो शेयर के लिए काफी अच्छा होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि आज के दिन ही दोस्तों शेयर ने लगभग 15% की तेजी करके दिखा दी है। और अब ये तेजी कहां तक रुकेगी, डेफिनेटली दोस्तों अगर आप बाइंग करना भी चाहते हैं तो मुझे लगता है कि दोस्तों 60 रुपए का लेवल एक स्टॉप लॉस का लेवल पर रखिए। अगर 60 रुपए के नीचे आएगा तो एनी हाउ चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, डेफिनेटली आपको इस शेयर के अंदर एग्जिट करना होगा अगर 60 रुपए का लेवल ये शेयर तोड़ता है। एंड अगर अपन हायर साइड की बात करें, तो दोस्तों अगर ये 70 रुपए का लेवल तोड़ देता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि 80 रुपीज तक का मिनिमम टारगेट आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें आज की वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं दोस्तों शानदार आती हुई देखने को मिली है, लगभग दोस्तों 4 टाइम ज्यादा वॉल्यूम आती हुई देखने को मिल रही है। और अभी भी दोस्तों लगभग 1 घंटा बचा है मार्केट की क्लोजिंग में, और डेफिनेटली वॉल्यूम वाइज काफी बड़ा ये ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली काफी सारे नए इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इस शेयर के अंदर
अंदर आप कह सकते हैं कि एंट्री लेते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि 52 हफ्तों के लोज पर कामकाज कर रहा है। प्लस कंपनी अगर अपन बात करें तो फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखा सकती है, क्योंकि एकमात्र लोगों का नाम मुंह पे आता है वो है जोमैटो। जब भी ऑनलाइन डिलीवरी की बात आती है जोमैटो एंड स्विगी, बट डेफिनेटली जोमैटो को लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और हर सिटी में आजकल जोमैटो का आप कह सकते हैं कि होता हुआ देखने को मिल रहा है, डिलीवरी फंक्शन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली जोमैटो फ्यूचर में तो आपको प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिलेगी और यहां से शेयर का प्राइस आपको 1x 2x डेफिनेटली होता हुआ देखने को मिल सकता है। वही अगर बात करें मार्केट डेप की भी तो आप देख सकते हैं दोस्तों 5,12,000 ऑर्डर्स बाइंग साइड पर है, बीएससी की बात कर रहा हूं, एंड 4,02,000 शेयर सेलिंग साइड पर है। तो अभी डेफिनेटली स्टॉक में बाइंग ज्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। शुरुआती कामकाज में दोस्तों ये आंकड़ा काफी बड़ा था, अभी ये आंकड़ा थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर अपन बात करें कंपनी की मार्केट कैपिटल की तो फिर से 50,000 करोड़ के ऊपर कंपनी की मार्केट कैपिटल पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। जोमैटो एंड 197 पेटीएम, इन दोनों शेयर्स में आज काफी अच्छी तेजी होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब फाइनली स्टॉक के चार्ट की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं 6 मंथ के मैंने चार्ट खोले, 6 मंथ पहले दोस्तों ये शेयर का प्राइस था लगभग 160 रुपीज एंड अभी शेयर का प्राइस है 64 रुपीज। तो डेफिनेटली गिरावट तो इसमें बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन अगर अपन बात करें तो दोस्तों स्टॉक ने एक बॉटम बनाया और लगभग अगर अपन बात करें तो दोस्तों फेब के बाद, जी हाँ फेब के बाद पहली बार दोस्तों शेयर में, फेब से अगर अपन बात करें मई की, तो पहली बार शेयर में इतना बड़ा स्पाइक देखने को मिला है। और ये स्पाइक दोस्तों डेफिनेटली मुझे लगता है कि 80 रुपीज़ तक तो मिनिमम जाता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर 80 रुपीज़ का लेवल ये शेयर तोड़ देगा देन 90 एंड 100 रुपीज़ भी आपके कार्ड्स पर आ सकते हैं। वहीं अगर बात कर ले दोस्तों स्टॉक के 3 महीने के चार्ट की तो 3 महीने बाद पहली बार दोस्तों शेयर ने इतना अच्छा बाउंस बैक दिया है, और ये बाउंस बैक दोस्तों आप देख सकते हैं 80 रुपीज़ एंड 90 रुपीज़ एंड 70 रुपीज़, ये तीनों लेवल्स अब ये बाउंस बैक करने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली शेयर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। अगर अपन बात करें सालाना तौर पर तो सालाना तौर पर जो आरएसआई है वो अभी भी 30 के नीचे, जो कि आप कह सकते हैं कि एक सिग्नल है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में और यहां से बाइंग के चांसेस ज्यादा है कंपैरेटिवली सेलिंग के। एंड अगर अपन बात कर ले दोस्तों स्टॉक के इंट्राडे की भी तो दोस्तों कल के दिन आपको कुछ नहीं करना है, कल के दिन आपको थोड़ा वेट करना होगा शेयर में। अगर कल ये 62 रुपीज के ऊपर शेयर टिक जाता है तो डेफिनेटली बाइंग पोजिशन आप स्टॉक के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। एंड इंट्राडे के अंदर 66 रुपीज तक का टारगेट जोमैटो के शेयर में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो बाइंग की सलाह होगी 62 रुपीज तक अगर शेयर आए तो डेफिनेटली शेयर में आप बाइंग कर सकते हो, और इंट्राडे के अंदर 65 से 66 रुपीज तक का टारगेट जोमैटो के स्टॉक में आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।